गाइस गुड मॉर्निंग। आर्यमन उठ गया है और अभी बज के 7 नहीं 9:15 हो गए। तो गाइस आर्यमन की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि आर्यमन के कल से एग्जाम शुरू है। ये दादी बैठी है, ये मम्मा है, और ये हैं अपने उभरते हुए सितारे अंशुमन सीताराम। तो ये भी उठ गए हैं। तो गाइस अभी हम जाएंगे आर्यमन को मेडिसिन दिलवा के लेके आएंगे, बिकॉज इसके कल से एग्जाम शुरू है। और 18 सितंबर कल है। और क्या मेरे बर्थडे भी आ रहे हैं। हां बर्थडे भी आ रहे हैं, वो तो दिसंबर में है। 21 दिसंबर को होता है। यस, आपको कैसे पता? मम्मा झूठ भी तो बोल सकती है। चलो गाइस अभी चलते हैं इसको लेके डॉक्टर के पास, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी 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 हे गाइस, अभी हो गए हैं 3:15 और आर्यमन कर रहा है लंच, और ये आ गए हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी नहीं। तो गाइस अभी हम आज आर्यमन की दवाई ले आए थे। आर्यमन को डॉक्टर और डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक दिए है, इसको खांसी है, जुकाम है, और अंशुमन के भी आज वैक्सीनेशन थी, उसकी भी वैक्सीनेशन हो गई है। अभी इनके एग्जाम खत्म हो गए, ये फ्री हो गए हैं, ये फंस गया है। अभी इसके एग्जाम कल से शुरू है, कल इसका है इंग्लिश का एग्जाम। बुआ के बच्चे तो फ्री हो गए हैं, अब बुआ के बच्चों को जुतियां पड़ेंगी जब इनका आएगा रिजल्ट। अभी नहीं आएगा, फिर कल हमारा नेक्स्ट टर्म क्या क्लास दूसरी टर्म मतलब नेक्स्ट सेशन शुरू हो गए। टर्म मतलब क्या होता है? सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गए। टर्म क्या होता है? तो गाइस आर्यमन के कल से है एग्जाम। इनके लिए इनके फिनिश हो गए ना अभी, नहीं नहीं स्कूल जाएंगे। पेपर खत्म हो गए बेटे इनके। अभी छुट्टियां नहीं बेटे इनके, अभी अभी वो शुरू हो गए ना, नॉर्मल क्लास शुरू हो गई है अब इनकी। अच्छा जब पेरेंट मीटिंग होगी उसके बाद छुट्टियां? अभी छुट्टियां थोड़ी होगी। किसकी? नहीं अभी अभी छुट्टियां होगी नहीं बेटा, अभी नहीं होगी। तो गाइस आर्यमन कर रहा है लंच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस तो अभी हम इकट्ठे हुए हैं, बुआ के बच्चे भी आ गए हैं और दादी भी आ गई है। तो ये आज आर्यमन की तबीयत खराब थी सुबह, तो अभी तो आर्यमन ठीक हो गया है, थोड़ा सा मेडिसिन लेके आया है, और अहम का भी फीवर ठीक है अभी। मेडिसिन एडवेंट एक बार चुप कर, क्या कह रहा था? इसको टैबलेट नहीं मिलती, इसको पीने वाली होती है। इसको भी पीने वाली थी मेरे वहां पे, और उस जगह का देखा तो गोली को पता है, गोली खाली है, खत्म हो गई गोली। तो मां वो मेरे पास ना वैसे चैलेंज का आईडिया, वो करें आज। हां बता चल। जैसे जैसे हम 6-6 कप 6 से ज्यादा कप एक लाइन में रख देंगे, ठीक है, एंड एक बॉर्डर लाइन होगी, यहां से हम बलून लेके उसमें हवा भर के एक एक ग्लास मारे, जितनी जितनी उसमें हवा है उतने से गिरे बहुत तेज से। कोई बात नहीं, चलो चलो करो सेटअप करके दिखाओ।
तो गाइस अभी हो गए हम सेटअप के साथ रेडी। तो पहला ये कर रहे हैं आर्यमन और ईशान। यस, तो आर्यमन फर्स्ट रो पे आर्यमन करेगा, सेकंड रो पे ईशान करेगा। पहले इनको करते हैं पोजीशन में, फिर करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी हम हो गए हैं रेडी। तो सबसे पहले कर रहे हैं आर्यमन और तो देखते हैं पहले कौन करता है। 3, 2, 1 गो। तो ईशान ने अच्छी शुरुआत की और आर्यमन पहली शुरुआत में आ गया। ईशान बहुत तेजी कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि उसका तो बहुत अच्छा अपोनेंट है और ईशान जी ये तेजी में आर्यमन से एक गिना बड़ा। ईशान जी के दांत निकले और आर्यमन रह गया। और मुझे लग रहा है आर्यमन जी हारते हुए। चलो इसी जीत गया, ये फाइनल है ये। तो अभी करते हैं सेटअप अहम और इशी का। गाइस अभी रेडी हैं अहम और इशी। और कुछ रूल्स बदले गए हैं यहाँ पे, जैसे पहले हम करते थे फूंक मार के घेर देते थे, पर अब क्या करना है, हमारे कप को ऐसे होना चाहिए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। तो लेट्स सी, अभी करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। इशी इधर कप। आर्यमन ने अहम ने उसी का गिरा दिया। आर्यमन के दो गिर गए। इशी क्या करता है बेटे, चीटिंग हर बार। दोबारा करो सारे सेटअप। हम हो गए हैं रेडी फिर से एक बार सेटअप के साथ। इसमें ये कर रहे हैं अहम और ईशान, और अभी देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट। 3, 2 बैलून्स खाली करो पहले अपने। 3, 2, 1 गो। क्यों? यस। और ईशु की बहुत बुरी हार, शर्मनाक हार। ईशु समय से क्यों, जब तू उसको हरा रहा था अहम आर्यमन को, तो कितनी तेजी से कर रहा था सब कुछ। एक एक कप की बात नहीं है, कंपैरिजन उसको भी जैसे ठीक लगा उसने वैसे किया। नहीं अभी हो गया है, और आज के गेम में विनर रहा है अहम, और पहली गेम में था ईशी, और आर्यमन तो हमारा एवरी टाइम विनर है ही है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you